बिहार के गोपालगंज में गिरा नवनिर्मित पुल, 264 करोड़ की लागत से 8 सालों में बनकर तैयार हुआ था ब्रिज, 29 दिनों पहले सीएम ने किया था उद्घाटन। विपक्षी नेता तेजस्वी यादव का हमला, भ्रष्टाचारी है नीतीश सरकार, सफाई देने में जुटे सरकार के मंत्री। मध्य प्रदेश के गुना में दलित दंपति पर पुलिस अत्याचार का वीडियो वायरल, पुलिस ने दलित दंपति को खेत में दौड़ा कर पीटा। कांग्रेस ने शिवराज सरकार को घेरा, एक्शन में दिखे सीएम, जिले के कलेक्टर और आईजी को थमाया ट्रांसफर। राजस्थान में स्पीकर के नोटिस के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे कांग्रेस के बर्खास्त नेता सचिन पायलट, कोर्ट ने त्वरित सुनवाई से किया इनकार। सचिन पायलट के वकीलों पर भी उठे सवाल, दोनों एडवोकेट हैं भाजपाई। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने गंगा नदी से जुड़े बयान के लिए मांगी माफी। 3 साल पहले गंगा नदी को बताया था नहर, रावत बोले, मैंने तो माफी मांगकर पश्चाताप कर लिया, लेकिन सरकार कब करेगी पश्चाताप? तत्कालीन आदेश को निरस्त करने की उठाई मांग। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हरीश रावत को यदि उन्होंने माना है तो उन्होंने प्रायश्चित किया है। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, आप कब प्रायश्चित कर रहे हो? क्योंकि हरीश रावत ने तो दिसंबर 2016 में शासनादेश लागू किया था और मेरी सरकार कुछ ही दिनों के बाद चली गई थी। तो आप 3-3.5 साल से सरकार में हैं और निरंतर ये मांग उठ रही है कि ये शासनादेश को समाप्त किया जाए, तो आप अब कब प्रायश्चित करने जा रहे हैं, कब शासनादेश को समाप्त करने जा रहे हैं, ये मुख्यमंत्री को बताना चाहिए। और उनके ढोलची जो हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष उनके भगत जी, हमारे बड़े भाई हैं, मैं बड़ा आदर करता हूं उनका, तो भगत जी ने ये कहा है कि ये तो बिल्डर्स को लाभ पहुंचाने के लिए किया था। तो मैं भगत जी से कहना चाहता हूं कि भाई, मेरी सरकार तो कुछ ही दिन नहीं, 3.25 साल से आपकी सरकार, क्या इस कानून को इसीलिए बनाए रखे हुए है कि बिल्डर्स को लाभ मिले? ये भगत जी को जरा राज्य के लोगों को बता देना चाहिए। और हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कब वो कानून बनाए, अच्छी बात। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में मतभेद की खबरों पर स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे की सफाई, बोले, सरकार में कोई झगड़ा नहीं, विपक्ष उड़ा रहा अफवाह, 5 साल पूरा करेगी उद्धव सरकार। नहीं, जरूर मला वाटतं आघाडीच्या सर्व विचारांनी सर्व गोष्टी होत असतात, पाहायला पाहिजेत, त्यात काही अडचणीचा विषय नाहीच आहे। आमची एक कोर कमिटी सुद्धा आहे की ज्याच्यात शिवसेनेचे, काँग्रेसचे आणि राष्ट्रवादीचे महत्त्वाचे नेते त्यामध्ये घेतलेले आहेत। माननीय मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली ही कमिटी काम करते। अशा छोटे छोटे इश्यूज असतात, ते इश्यूज तिथल्या तिथे ॲड्रेस केले जातात आणि त्याचं सोल्युशन काढलं जातं। मला वाटत नाही हा फार काही चर्चेचा विषय, सगळेजण एक विचाराने जनतेच्या हिताचं काम करण्यासाठी कटिबद्ध आहेत आणि आम्ही ते काम करत आहोत। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम डॉक्टर शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर हुए कोरोना पॉजिटिव, अस्पताल में किया गया भर्ती, समर्थकों ने स्वास्थ्य में सुधार के लिए शुरू की प्रार्थना। 14 तारखेला निलंगेत दादा साहेब बनला, थोडंफार ताप आणि थोडी अशी सर्दी जाणवत होती आणि निलंग्यातील डॉक्टरांशी चर्चा करून सर्वांचं म्हणणं असं निघालं की आपण लातूरला शिफ्ट करायला पाहिजे आणि 14 तारखेला संध्याकाळी आपण उशिरा लातूरला शिफ्ट केलो आणि लातूरमध्ये रात्री उशिरा सर्व डॉक्टर्सची टीम सर्वांनी तपासणी केली। दादांची तब्येत एकदम व्यवस्थित होती। निलंग्याहून आल्यानंतरही लातूरला आल्यानंतर तब्येतीमध्ये फरक पडला आणि त्यांनाही बरं त्या ठिकाणी वाटत होतं आणि रुटीन एक कोविडची तपासणी करायला पाहिजे म्हणून आपण करून घेतली होती। त्याचा रिपोर्ट काल 15 तारखेला रात्री उशिरा आला आणि त्या रिपोर्टमध्ये दादासाहेबांचा रिपोर्ट पॉझिटिव्ह असल्यामुळे परत एकदा सर्व डॉक्टर्सच्या टीमनी सर्वांशी आम्ही एकत्रित बसून चर्चा केली आणि सर्व तपासण्या ज्या काय आहेत, दादासाहेबांचं वय जवळपास 91 असल्यामुळे इतर सर्व तपासण्या आपण त्या ठिकाणी केल्या आणि आज सर्व डॉक्टर्स मॉनिटर करत आहेत। दादा जसं निलंग्यामध्ये जी तब्येत होती त्याच्यापेक्षा आज स्थिर तब्येत आहे, एकदम स्टेबल आहे। माझी आपल्या दादासाहेब पूर्वीपासून आपल्या सर्वांना माहिती आहे की सतत लढत असणारा जो स्वभाव आहे तो त्यांचा स्वभाव आहे, ह्याही आजारावर ते मात करतील आणि लवकरात लवकर त्यांनी आपल्या सर्वांच्या सोबतही संवाद करतील। आपल्या सर्वांना एवढीच विनंती प्रार्थना असणार आहे
की दादासाहेबांच्या तब्येतीसाठी आपल्या सर्वांच्या शुभेच्छा, आपल्या सर्वांच्या प्रार्थना त्यांच्यासाठी असावे आणि लवकरात लवकर दादासाहेब आपल्या सर्वांच्या मरी येतील, हेच पांडुरंगच्यांनी प्रार्थना करतो. नवंबरी व्यापारी संघ की महानगरपालिका को चेतावनी, 19 तारीख के बाद बढ़ा लॉकडाउन तो जबरदस्ती खोलेंगे दुकानें, सरकार की कार्यवाही झेलने व्यापारी संघ तैयार. बिहार के मोतिहारी में राशन नहीं मिलने से केसरिया कार्ड धारकों ने किया आंदोलन, नागरिक बोले 10 महीने से नहीं मिला राशन, बीडीओ के खिलाफ लगाए मुर्दाबाद के नारे, आंदोलन की वजह से घंटों तक जाम रहा नेशनल हाईवे. उस टाइम मैडम लॉकडाउन में कहीं गाड़ी नहीं चल रहा था, हम लोग पोस्ट किए थे, एसपी पोस्ट किए थे, नहीं रहेगा पूरा 70 पंचायत बिहार के नालंदा में दोस्त ने मजाक में चलाई गोली, गोली से घायल हुआ युवक जिला अस्पताल में भर्ती, आरोपी बोला मजाक मजाक में चल गई गोली, चोट पहुंचाना या मारना नहीं था मकसद. दादा मम्मी बोला अभी नहीं बेटा खा लो, आ गए मम्मी जी, ऐसे वो दोस्त जाऊ का था लड़का, कहा अकेले की साहु ना, तो बोला कि देखने वो सवाल कर दिया है जो गिरा लेने के पागल लिया है, अब उसमें खा भी लगता गोली लूटने, हम जानते हैं. उसके बाद बोला कि देखने से बात हो ठीक है भाई, भाई सब के फिर आगे हम ले जाइए, हम लाइन अलग, हम पढ़ा लिखा जो हमें ये सब गलत लड़का नहीं है, कोई इंसानवा से गलती से लग गए भैया जी, इस बात में ना वो ऐसे दिखाया कि हम पाए हैं ये चीज़, जे देखो ना पाए हैं जे गलती से उससे छूट गया हाथ से, मिस्टेक से लग गया. क्लास करवा करके आ रहा था, यानी बच्चों को 10 गो का पढ़ाता घर पे, और आ रहा था इस रास्ता से, पर वो रास्ता से बोला कि नीतीश जी इधर आओ ना, जब उधर से वहाँ वो लड़का को बुलाया तो बोला कि क्या चीज़, तो बोला कि बैठो ना, और वो अपना नोजल कस रहा था, और नोजल कस रहा था, लगता है कि उसका गलती से लगे, ये नहीं हम जानते कि गलती से लगा कि जान के लगा, उसका मन जानता होगा, लेकिन जब बुलाया तो उसका मन के बात जानते नहीं कि उसके मन में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है.